जय हिंद दोस्तों, आज के मैथ प्रैक्टिस क्लास में मैं आपको वृत्त पर आधारित प्रश्न बताने जा रहा हूं जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे सवाल क्या कि दो वृत्त की परिधि क्रमशः 198 सेंटीमीटर तथा 352 सेंटीमीटर है और उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि एक वृत्त हो गया और एक वृत्त हो गया, दो वृत्त हो गया। ठीक है, अब वृत्त की परिधि, परिधि मतलब क्या होता है, चारों तरफ की माप। परिधि, परी मतलब चारों तरफ, ठीक है, तो परिधि यानी चारों तरफ की माप। ठीक है, तो परिधि। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है उसको पहले जानिए। वृत्त की परिधि का सूत्र, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है? 2πr, याद रखिएगा। ठीक है, अब वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है। अब हमको क्या करना है, अब इसमें देखिए, एक वृत्त का परिधि दिया हुआ 198 सेंटीमीटर और दूसरे का दिया हुआ 352 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें एक को मान लेंगे 2πr1 और दूसरे को मान लेंगे 2πr2। ठीक है, तो 2πr1 मान लिए 300 बराबर 352 सेंटीमीटर, 352 सेंटीमीटर, और 2πr2 मान लिए 198 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है सो समझिए। सवाल कह रहा है कि उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या है। जब उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर हमको निकालना है, ठीक है, तो उनकी परिधि को भी घटाना होगा तभी अंतर निकलेगा। तो चलिए इसको घटाते हैं। इसमें कैसे घटाएंगे सो देखिएगा, लिखेंगे 2πr1 घटा 2πr2, ठीक है, बराबर 352 घटा 198। अब 2πr1 इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है। ठीक है, तो 2π कॉमन ले लेंगे, 2π कॉमन ले लिए और r1 घटा r2 कर दिए। ठीक है, r1 घटा r2 और इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 154। आप घटा के देख लीजिएगा, 154 आएगा। अब क्या करेंगे तो देखिए, अब इसमें ये जो दो है, ठीक है, ये जो दो है, ये दो इसको डिवाइड दे सकता है। ठीक है, इसको क्या कर सकता है, डिवाइड दे सकता है। और पाई का मान क्या है, पाई का मान है 22/7। पाई का मान क्या है, 22/7। तो यहाँ लिखेंगे 2×22/7। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, r1 r2 = 154। यहाँ पर सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप क्या करना है, ये जो 7 है, ठीक है, ये 7 इससे गुना हो जाएगा, 2×22, ठीक है, r1 r2 = 154 × 7 कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इधर ले आएंगे r1 r2, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, 154 × 7 और इससे इसको डिवाइड दे देंगे इसको। ठीक है, 2×22, अब 22 के 7 घर पड़िएगा तो 154 आएगा। ठीक है, 22 के 7 घर पड़ने पर 154, अब ये 7 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 49। ठीक है, और इस दूसरे इसको डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा, तो r1 r2 = 24.5 सेंटीमीटर। जब इसको डिवाइड दीजिएगा 2 से 49 को तब, ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं 24.5 सेंटीमीटर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।